अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टिक टैक, नया वक्त नई टैक, जहां मैं आपके लिए लाता हूं ताजा तरीन लोकल और इंटरनेशनल टेक न्यूज तड़का लगा के। और हमारी आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि 5G पाकिस्तान में कब आ रहा है, गवर्नमेंट ने अपना प्लान बता दिया, सैमसंग ने 200 मेगापिक्सल का नया सेंसर बना लिया, गैलेक्सी S21 FE के कुछ रूमर्स हैं, और पहली बार मेड इन पाकिस्तान फोन्स की तादाद अब इम्पोर्टेड फोन से ज्यादा हो गई है। और हमारी आज की वीडियो में मैं इन दो टेक्नो हाईपॉड्स H2 का गिव अवे भी कर रहा हूँ, उसमें कैसे हिस्सा लेना है तरीका मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। पहले रोल दैट इंट्रो। तो दोस्तों, हमारी आज की पहली न्यूज है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हाल ही में मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान में 5G को 2023 तक लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। अब अगर आपको याद हो तो 2019 में पाकिस्तान का पहला 5G टेस्ट किया गया था ज़ोंग की तरफ से। मैंने उस वक्त 5G इन पाकिस्तान पे एक पूरी वीडियो बनाई थी जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है। फिर कुछ महीनों पहले भी मैंने 5G पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई थी जहां मैंने बात की कि पाकिस्तान में 5G आने में कितना टाइम लगेगा। आप ये टिकटॉक के एपिसोड देखने के बाद वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। लेकिन उन दोनों वीडियोस में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में 5G लाने के लिए बहुत ही वसी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा है फाइबराइजेशन, यानी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें ऑप्टिकल फाइबर्स का जाल बिछाना होगा, क्योंकि 5G नेटवर्क्स की पूरी बैकबोन ऑप्टिकल फाइबर्स पर बनाई जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में डीप फाइबराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं ताकि टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट को पाकिस्तान के रिमोट और अंडर डेवलप्ड इलाकों में पहुंचाया जा सके। इस डीप फाइबराइजेशन के जरिए 2022 तक 10,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक जाल बिछाया जाएगा जिसके जरिए 1200 टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स को इंटरनेट फराहम किया जाएगा। इस फाइबराइजेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा यूनिवर्सल सर्विसेज फंड काम कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप नहीं है या हुकूमत किसी ट्रक की बत्ती के पीछे हमें नहीं लगा रही, क्योंकि जब से ये PTI की हुकूमत आई है ने डिजिटाइजेशन की बात की है कि डिजिटल इकोनॉमी को पाकिस्तान में कैसे ग्रो किया जाए, और इनके टेन्योर में हमने देखा है कि IT एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे IT के टोटल एनुअल एक्सपोर्ट्स $2.1 बिलियन के हैं, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2023 तक इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाया जाए। इसके साथ साथ GSMA की तरफ से कुछ हफ्तों पहले एक रिपोर्ट शाया की गई जिसका नाम है द मोबाइल इकोनॉमी एशिया 2021, और उसमें बताया कि पाकिस्तान इस वक्त 5G की रेस में दूसरे मुल्कों से पीछे है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत पे भी काफी प्रेशर है कि जल्दी से 5G को रोल आउट किया जाए, लेकिन फिर भी 2023 तक भी अगर आता है 5G तो दैट मीन्स के बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। तो आप लोग सब तैयार रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल से आपको 5G के कुछ ना कुछ अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। तो सैमसंग ने अपना नया 200 मेगापिक्सल का सेंसर अनवेल कर दिया है। 200 मेगापिक्सल का मतलब है 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ पिक्सल्स। GSM अरीना ने रिपोर्ट किया है कि सैमसंग ने दो नए ISOCELL कैमरा सेंसर्स लॉन्च किए हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोस में सैमसंग GM1, GM2, GW1 वगैरह के नाम सुने होंगे, तो ये सारे सेंसर्स सैमसंग की ISOCELL लाइनअप का हिस्सा हैं, और ये 200 मेगापिक्सल वाला HP1 सेंसर कहलाता है। ये एक फ्लैगशिप सेंसर है, और बताया जा रहा है कि ये सेंसर हम गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में देखेंगे, और इसके जरिए 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 12.5 मेगापिक्सल की इमेजेस ली जा सकेंगी, और ये 8K वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। अब हमें ये बात तो पता है कि मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होते, पिक्सल्स की साइज और सॉफ्टवेयर की भी बहुत अहमियत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में सैमसंग जैसे ब्रांड के हाथ में अगर 200 मेगापिक्सल का सेंसर आ जाए तो आई एम श्योर कि वो कुछ अच्छा इसके साथ कर पाएंगे। और मैं तो ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं कि ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर किस किस्म की फोटोज और वीडियोस हमें देगा। इसके बाद एक और सैमसंग से रिलेटेड न्यूज है, और न्यूज से ज्यादा ये रूमर है कि गैलेक्सी S21 FE भी हम कुछ अरसे में देखेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले साल सैमसंग ने गैलेक्सी S20 FE लॉन्च किया था जिसे फ्लैगशिप स्पेक्स दिए गए थे लेकिन प्राइस फ्लैगशिप लेवल से नीचे रखी गई थी, और उस गैलेक्सी S20 FE को बहुत बड़े पैमाने पे सराहा गया क्योंकि उसमें आपको फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस और काफी सारे दूसरे फ्लैगशिप स्पेक्स मिल रहे थे, लेकिन प्राइस $700 की थी। पाकिस्तान में ₹1,20,000 का फोन था, तो वो फ्लैगशिप किस्म का एक्सपीरियंस फ्लैगशिप से काफी कम प्राइस में दे रहा था, जिसकी वजह से गैलेक्सी S20 FE ओवरऑल एक बहुत ही वेल राउंडेड डिवाइस था। तो पिछले दिनों एक यूजर मैनुअल लीक हुआ है, और बताया ये जा रहा है कि ये गैलेक्सी S21 FE का यूजर मैनुअल है, और अगर हम इस यूजर मैनुअल और पिछले लीक्स को कंबाइन करें तो अब तक हमें यह पता चला है कि S21 FE की डिजाइन लैंग्वेज जाहिर सी बात है गैलेक्सी S21 लाइनअप जैसी होगी। इनमें स्नैपड्रैगन 888 और एक्सिनोस 2100 चिपसेट्स होंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन चिपसेट्स वाला वेरिएंट आए। फोन में 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED पैनल होगा,
पिछली बार 6.5 इंचेस का था और ये एक 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले के अंदर ही एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। 4500 मिलियम पावर की बड़ी बैटरी होगी, बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 32 मेगापिक्सल का मेन, साथ में 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरास होंगे, जबकि आगे वाली तरफ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि गैलेक्सी S21 FE में कोई माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं होगा और ये फोन्स 45 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अब तक सिर्फ रूमर्स हैं, हो सकता है चीजें कुछ आगे पीछे हो, लेकिन जनरली रूमर्स काफी एक्यूरेट होते हैं जो हमने देखा है। दिस इज 2021, कोई भी चीज को आप सीक्रेट नहीं रख सकते ज्यादा लंबे अरसे के लिए, लेकिन S21 FE पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज आइटम पे, और वो न्यूज ये है कि पाकिस्तान में लोकली मेड फोन्स की तादाद अब पहली बार इंपोर्टेड फोन से ज्यादा हो चुकी है। जनवरी से लेकर जुलाई 2021 में लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने तकरीबन 1,23,00,000 हैंडसेट्स बनाए, जबकि इंपोर्टेड हैंडसेट्स तकरीबन 83,00,000 थे। और इस सक्सेस की एक बड़ी वजह है PTA का DERP सिस्टम, जिसको हर कोई बहुत बुरा भला कहता था, क्योंकि इसकी वजह से हमें इंपोर्टेड फोन्स को PTA अप्रूव कराना पड़ता था, जिसके लिए पैसे देने पड़ते थे। लेकिन ये सब करने का मकसद ये था कि इंपोर्टेड फोन्स को डिस्करेज किया जाए, और मेरा ख्याल है कि PTA की ये सारी काविशें और कुर्बानियां अब रंग लाई हैं, क्योंकि अब फोन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान आ चुकी है। और ये बात भी बहुत खुशाइंद है कि मौजूदा हुकूमत ने जनवरी 2021 में जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशंस की पॉलिसी बनाई थी, उसके रिजल्ट्स हम इतना जल्दी देख रहे हैं। और अब तक तो सैमसंग की प्रोडक्शन भी ऑनलाइन नहीं आई है, Xiaomi भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक नहीं आया है, Vivo, Oppo, Infinix, Techno ये सारे आ चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब सैमसंग और Xiaomi जैसे बड़े प्लेयर्स भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू कर देंगे तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, इससे हमारे इंपोर्ट्स का बिल कम होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लोकल जॉब क्रिएशन होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, 10 किस्म के बेनिफिट्स हैं। तो हम सबको लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो पसंद आए उस पर लाइक देना ना भूलिएगा। गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे बस एक कॉमेंट छोड़ दें। देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।